निशा शर्मा केस की फाइल अब हाई कोर्ट पहुंच चुकी है, यानी कि अब हाई कोर्ट नए सिरे से निशा शर्मा के केस की सुनवाई करेगा। तो निशा शर्मा के मामा के माने तो हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि हाई कोर्ट कौन सी तारीख मुकर्रर करता है इस केस की सुनवाई के लिए। वहीं बात करें अगर शिजान खान की, तो शिजान खान की जमानत याचिका को अभी तक दाखिल नहीं किया गया है। शिजान खान का परिवार भी कटघरे में खड़ा है। शिजान खान के परिवार पर कई सवाल खड़े किए गए हैं और ये सवाल खड़े किए हैं निशा शर्मा की माँ वनिता शर्मा ने। आपको याद होगा कि वनिता शर्मा ने शिजान खान की माँ के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई है। अब देखना होगा कि अगर कोर्ट में ये पूरा मामला जाता है और इसकी सुनवाई होती है तो क्या शिजान खान की मां के खिलाफ भी कोई सबूत निकलता है। वही दूसरी ओर आपको बता दें कि इस पूरे केस में अब तक शिजान खान के खिलाफ कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं निकल पाया है जिसके कारण शिजान खान को सजा दी जाए। और अगर ये मामला एक बार फिर से हाईकोर्ट में जाता है, हाईकोर्ट में अगर इस पूरे मामले की सुनवाई होती है तो क्या कोर्ट और पुलिस इस पूरे मामले में निशा को इंसाफ दिला पाती है या फिर उन्हें मिलती है हाईकोर्ट से फटकार, क्योंकि अभी ना तो सरकारी वकील के पास शिजान खान के खिलाफ कोई मामला या फिर यूं कहें तो कोई प्रूफ है और ना ही पुलिस के पास कोई प्रूफ है शिजान खान के खिलाफ। ऐसे में जब कोई ठोस सबूत शिजान खान के खिलाफ है ही नहीं तो क्या हाईकोर्ट में ये सुनवाई जब होगी तो शिजान खान को सजा मिल पाएगी। आपका इस पूरे रिपोर्ट पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।